मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत की गई, जहां कम दामों में एक ही छत के नीचे काफी चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है वो यहां पर उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश में हर तरह के व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संगठनों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उनकी उड़ान को आगे बढ़ावा देने के लिए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और द प्लानर्स ने मिलकर इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सोमवार को किया। लगभग 9 देश के लोगों के विभिन्न प्रकार की जो क्राफ्ट है, जो उनके ज्वेलरी है, जो उनके लकड़ी के सामान हैं, उनका बड़ा भव्य प्रदर्शन है यहाँ पे। और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लखनऊ में इस प्रकार के इंटरनेशनल फेयर को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये उत्तर प्रदेश की प्रति आकर्षण बढ़ता हुआ है कि जब से हम लोग ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है, तो एक ज़िले की जो खास चीज़ें हैं उनको महत्व दिया जाए, तो वैसे देखें तो ये अलग अलग देशों की खास चीज़ें हैं जिनका प्रदर्शन यहाँ पर है। उनकी अच्छी बिक्री भी चल रही है, वो लोग बड़े उत्साहित हैं। हर साल लगे इसकी कोशिश होगी जी। हमने ये मेगा ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 12 से 21 तारीख के लिए लखनऊ वासियों के लिए ही किया है। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट्स हम उपलब्ध करवाएं, जो लाइफस्टाइल और कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, देश विदेश से सारे प्रोडक्ट्स हम लेके आए यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं लखनऊ वासी यहाँ पे आएंगे और इस महोत्सव का आनंद, इसको महोत्सव की तरह इस ट्रेड फेयर में आके इसका आनंद मनाएंगे। इसका नाम है मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल इसमें करीब 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और टूनेशिया। ये सब अपने अपना प्रोडक्ट्स लाए हैं, वहाँ से लोग लाए हैं, यहाँ के बेच रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इंटरनेशनल, मतलब मेन अट्रैक्शन। ट्रेड फेयर सारे बहुत सारे लगते हैं, महोत्सव लगते हैं, बट इसमें जो इंटरनेशनल है, दैट इज़ अ मेन अट्रैक्शन। ये हमारा टेस्टिंग है, ये अब हमने छोटे लेवल पर किया है। हमारा टारगेट है 25 कंट्रीज आएँ, जो हम दिवाली भी प्लान कर रहे हैं, इसी में 25 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें और समस्त भारतवर्ष के हम लोग जितने भी ट्रेडिशनल कारीगर उनको लेके आएंगे, वो मेगा इवेंट करेंगे। तो इसका एक छोटा सा हम लोगों ने पहला टेस्टिंग करा है, ये कैसा चलेगा, क्या ये इंडिया में या लखनऊ में चल सकता है। ये बड़े शहरों में तो चलता है, दिल्ली में चलता है, बॉम्बे में चलता है, बैंगलोर में चलता है, बट क्या लखनऊ में इतनी कैपेसिटी है कि इंटरनेशनल ट्रेडर्स बाहर से हैं और इतना बिजनेस करके जाएं। तो यही टेस्ट कर रहे हैं, और जो अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये डेफिनेटली बड़ा हिट जाएगा इवेंट। और इन लोग का मुझे लगता है कि 10 दिन का फेयर है, इनका 8 दिन में ही सामान खत्म हो जाएगा, जिस हिसाब से लखनऊ वाले यहाँ पे सबका प्यार निछावर कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेडर्स को। इस ट्रेड फेयर का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों को लखनऊ की जनता और खरीदारों तक आसानी से पहुंचाया जाए, जिससे वो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पादों को एक छत के नीचे आसानी से सभी के लिए उपलब्ध करा पाएं। मुझे लगता है कि लखनऊ वालों के लिए ये अच्छी बात है कि उनको रीजनेबल रेटों में यहाँ पर इस फेयर में बहुत सारी चीज़ें विदेशों की हमको लोगों को मिल जाएंगी, जो आसानी से नहीं मिलती हैं। हम पहली बार लखनऊ में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कर रहे हैं, और इसमें 9 कंट्री और 15 स्टेट से आए हुए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स। 35,000 यूनिक प्रोडक्ट्स हम लाए हैं यहाँ पे। 9 कंट्री आपको जाना नहीं पड़ेगा, हम आपके लिए यहाँ लाए हैं। लखनऊ के लोगों को 9 कंट्रीज के स्टॉल्स यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही डिफरेंट सामान है जो जनरली लखनऊ में नहीं देखने को मिला, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे ये जो सामान, तो लखनऊ के लोगों के लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा। तो ज़रूर आएँ और ये देखें, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है लखनऊ के लोगों के लिए। इस तरह के प्रयासों के बाद लखनऊ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय बेहतरीन चीजें कम दामों में एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी और सोच में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।